में क्या हुआ गाड़ी में? इसकी हेडरेस्टिक ना चले गई। चली गई? हाँ। अब कहाँ से लाएंगे उसको? यहाँ पे पड़ा ना था रिपेयरिंग का सामान, वो लगा देंगे। उनमें से कोई हेडरेस्टिक होगा, लगा देंगे इसमें। जा देख क्या अंदर क्या हुआ, देख क्या नुकसान हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है बेसिकली मनाली से, और वी विल बी गोइंग, मतलब हम लोग दिल्ली जाएंगे अभी मनाली से डायरेक्ट, फिर दिल्ली टू भोपाल हम लोगों का प्लान है इस अपनी टाटा नैनो के साथ। एक्सपेरिमेंट करेंगे, अभी पीछे गाड़ी का इंजन भी सीज कर गया था। अलरिक क्या हुआ इसमें गाड़ी में? गाड़ी में हाँ, गाड़ी का जो होता है ना रबर यहाँ पे, वो ना अंदर चले गए पूरा, और ये जो पंखा है ना ये भी खराब हो गया। अच्छा, ये नया लगवाना पड़ेगा पंखा। नया लगवाना पड़ेगा? हाँ। तू लगवाएगा? नहीं। फिर नहीं। तो हमने रिपेयर रिपेयर करवाया, खर्चे वर्चे काफी हो गए थे। सो वी आर ऑन द वे टूवर्ड्स दिल्ली, फ्रॉम देयर वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स भोपाल। तब्बू भोपाल गया है भाई कभी? नहीं, तब्बू के लिए फर्स्ट टाइम होगा भोपाल। मेरा नाम मत बोल। अच्छा अच्छा ठीक, नाम मत बोल। हम लोग पहुंच चुके हैं पीपली से 3 किलोमीटर पीछे ये जगह पड़ती है। आंखों की हालत आप देख सकते हो क्या हो गई है, सोए हुए नहीं है। तब्बू मियाँ अपना एंजॉय करते हुए फ़ोन पे। तो ये शॉप है एक छोटी सी चाय की, हम लोग यहाँ रुके थे। एंड यू कैन सी टेरर वहाँ पर बंधा हुआ है। मैंने कहा तू भी रेस्ट कर ले थोड़ी देर, बिकॉज क्या है ना इसके लिए बहुत लंबी जर्नी हो चुकी है, और आप मेरी आंखों में देख सकते हो पानी आ रहा है ड्राइव कर करके। अब हमें पहुंचना है दिल्ली जल्दी से जल्दी, सो निकलते हैं फटाफट, दिल्ली पहुंचते हैं और फिर बताते हैं आगे क्या रहता है अपना प्रोग्राम। एंजॉय करते हुए अपना, मैंने कहा रेस्ट ले बेटा तू भी थोड़ी देर, खड़ा हो गया एक्टिव। रुको रुको रुको, क्या है ना कि आते हुए हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया था, बिकॉज रास्ता बंद कर रखा था कुछ टनल्स का। और नाम मत लियो उसकी, अबे चुप रहे ना, बीच में नहीं ले रहा मैं तेरा नाम, टेंशन मत ले, इससे पहले भी ले चुका था। सो बेसिकली क्या हुआ था, हम लोग जब निकले थे हमें लगा था हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, बट हो नहीं पाया टाइम पे, बिकॉज गाड़ी का इंजन पूरा ओवरऑल करवाया, उसके बाद में उसको इंस्टॉल करवाया, फिर उसके बाद एक पुली थी वो पुली नहीं मिल रही थी, दूसरी वाली पुली लगवाई वो विदाउट एसी वाली थी, फिर बाद में आगे जाके एसी वाली पुली मिली वो लगवाई हम लोगों ने। एंड टेरर भी साथ में है, आप देख सकते हैं गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, वहाँ फिर भी मौसम अच्छा था। उसके बाद फिर टनल्स कुछ बंद पड़ी मिली, जैसे मैंने आप लोगों ने हम लोगों की पहले वीडियोज़ में देखा है कि 8 घंटे में हम लोगों ने दिल्ली लगा दी थी गाड़ी, बट वो टनल्स बंद होने की वजह से हमें पूरा लंबा रास्ता लेना पड़ा, और उसके बाद जाके हम लोग पहुँचे हैं पंजाब पहुँचे, फिर पंजाब से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अम्बाला, अम्बाला से पीपली, अभी यहाँ से 3 किलोमीटर पीपली है, एंड उसके बाद में करते करते दिल्ली पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा रेस्ट करके 1-2 घंटे का क्या हो गया, क्या आवाज़ आई, तो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके विल बी लाइक मूविंग, एक छोटा सा काम है कुछ तो उसके लिए जाना है, फिर फर्दर आगे जाएंगे
जैसे भी होगा विल इन्फॉर्म यू। तो अराउंड अराउंड गाड़ी चलाने का मतलब ये है हम लोगों का जो टारगेट है वो आप कह सकते हो अभी 1400-1500 किलोमीटर के अप्रॉक्स का है। दिल्ली से आगे जाना है और वो जगह का नाम है भोपाल। तो हमने कहा थोड़ा एक्सप्लोर करें भोपाल को भी। बहुत पहले मैं एक जॉब वॉब की थी भोपाल में और बड़ा दिल था भोपाल जाऊं देखूं दोबारा से कैसा है। बस पीपल आर वेरी नाइस देयर, तो इस वजह से मैंने कहा चलो देखते हैं। और झीलों का शहर कहा जाता है उस जगह को। तो दिल्ली में हॉल्ट करके हल्का सा विल बी गोइंग देयर। मैं निकल चुका हूँ नोएडा से एंड आई एम ऑन द वे टूवर्ड्स भोपाल। आगरा वगैरह क्रॉस करते हुए निकलेंगे। यू कैन सी टेरर इज देयर बिहाइंड मी। कई बार ना ऐसा लगता है कि लाइफ में ना सब साथ छोड़ के जाते हैं। ये जानवर है जो नहीं छोड़ के जाता आपका साथ कभी भी। इंसान जो है ना वो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। मतलब होगा तो साथ में होंगे, नहीं तो कोई किसी को भी पूछता। हम दोस्ती के लिए जान दे देते हैं और लोग दोस्ती में ही मतलब देखते हैं। फेल्ट वेरी बैड। तो मैंने कहा ठीक है यार हम अकेले ही काफी है, जब तक है तब तक चलाएं, आगे लाइफ में देखेंगे क्या होगा। सो फाइनली मैंने शेव वेव करवा ली है एंड आई हैव रीच्ड भोपाल। एंड यहाँ मौसम थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू दिल्ली वगैरह के। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। मैं जा रहा हूँ जिम बेसिकली एंड आप चेहरा देख सकते हो स्किन में रिएक्शन हो गया मुझे थोड़ा सा। नया शहर है, नई जगह है एंड आई एम ऑन द वे टूवर्ड्स द जिम। मैंने कहा थोड़ा सा जिंदगी में चेंज किया जाए, बहुत दिन हो गए थे ऐसे ही घर पे बैठे बैठे विदाउट वर्कआउट। क्या हुआ था एक्चुअली कि गाड़ी का इंजन सीज कर गया था एंड उसकी वजह से ना बड़ी दिक्कत हुई। मैकेनिक ने बोला इसको रिपेयर करना पड़ेगा, इसमें ये खर्चा है वो खर्चा है। सो वी थॉट कि चलो हम लोग मनाली से चंडीगढ़ जाते हैं बाइक पे। मैं गया और वहाँ से मैंने उसको इंजन को चेंज किया। उसके बाद मैं चंडीगढ़ से मैं दूसरा इंजन लेके आया था बट वो इंजन जो था वो भी चेंज होके आ गया। इसमें नैनो में क्या ना कि अलग अलग मॉडल के अलग अलग इंजन हैं। फिर उसके बाद उस इंजन को वापस ले जाना पड़ा और वापस ले जाके फिर उसको दिया। फिर हमने सोचा वो जो इंजन है उसी को रिपेयर कराते हैं। फिर हमने उस इंजन को रिपेयर कराया तो हमारे अराउंड 35-40,000 के करीब खर्चा हो गया, प्लस फ्यूल का अलग खर्चा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इंजन रिपेयर हुआ तो अराउंड 20 डेज लग गए इसमें रिपेयरिंग में। एंड फाइनली इंजन रिपेयर हो चुका है अपना और गाड़ी अब थोड़ी सी बेटर लग रही है बट अभी भी गर्म हो रही है गाड़ी बार बार। तो अब दिखाना पड़ेगा दोबारा से कि क्या दिक्कत परेशानी हो रही है। अब कूलेंट वूलेंट सब कुछ चेंज कर रहा है, इसका इंजन ऑयल चेंज किया है बट समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम हो रही है। आज मैं निकल रहा हूँ भोपाल से मुंबई के लिए बिकॉज मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई है यहाँ से बेसिकली। और जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, GM की है बट मैंने उन लोगों से डायरेक्टर पोजीशन मांगी बिकॉज आई वॉज वर्किंग एज अ डायरेक्टर कोविड से पहले। सो आई आस्क्ड कि मेरे को GM की पोजीशन मत दो, आप डायरेक्टर की पोजीशन दो। एंड इन लोगों के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस है, फिर स्कूल्स हैं इनके कई सारे। तो सारा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन और मेडिकल कॉलेजेस है, इनके हॉस्पिटल्स है कई सारे, तो वो सारा ऑपरेट करना है। एंड लेट्स सी बहुत सारा काम रहेगा। आई आस्क फॉर सैलरी, अभी वो इसी में नेगोशिएशन चल रहा है। सो दे आर कॉलिंग मी कि आप आ जाओ एक बार, वी विल डिस्कस। अभी तक तो टेलीफोनिक राउंड हुए जितने भी इंटरव्यू के हुए हैं, जूम पे हुआ है एंड फाइनली आई विल बी मीटिंग देम। तो मॉर्निंग आई विल बी रीचिंग देयर, उसके बाद देखते क्या रहता है। अगर दे विल बी गिविंग गुड सैलरी देन आई विल बी ज्वाइनिंग, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि क्या ना दूसरा शहर है, फिर उसमें आपको बड़ा टफ हो जाता है सेटल करना, सारा सामान लाना, फिर यू हैव योर ओन बिजनेस ऑल्सो, तो मुझे वो भी देखना है। जहाँ मुझे प्रॉफिट लगेगा आई विल बी मूविंग दैट साइड। मैं अपनी YouTube फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मेरे 500 सब्सक्राइबर
कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन हु हैज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया है। और मेरा ये प्लान था कि मैं गिव अवे दूँ, बट अभी क्या है ना कि मनाली में आपको पता ही है मौसम कैसा ख़राब हो रखा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं वहाँ पर। सो मेरा प्लान ये है कि एक बारी मौसम ठीक हो जाए, सो आई विल बी मैं एक गिव अवे दूंगा जिसमें आपका स्टे, एकोमोडेशन सब कुछ इंक्लूड होगा, खाना वाना इंक्लूड होगा। आई हैव अ कॉटेज देयर, उसके अलावा आई हैव अ कैंप साइट, तो जहाँ पर भी आपको अच्छा लगेगा। और चार लोगों को दूंगा, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मिले उतना अच्छा है, और उनमें से ही मैं किसी को दूंगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स अच्छे आएंगे उनमें से भी मैं चुनूंगा, दो अच्छे कमेंट्स वालों को चुनूंगा, और दोस्त जो मेरे नए सब्सक्राइबर अभी बनेंगे उनको मैं ये दूंगा गिव अवे। सो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इट विल बी गुड फॉर मी। थैंक यू।